आर्मी और वॉटरफ्रंट के प्लॉट्स को भी नंबर लगा दिए गए। आर्मी और वॉटरफ्रंट दोनों का ये पहला बैलेट। जनरल ओवरसीज, अवामी, वॉटरफ्रंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स की फाइल्स को नंबर लगाए गए। अस्सलाम वालेकुम, नबील अहमद अब्बासी मेजबान रियल एस्टेट से। आज बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी में पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे मच अवेटेड बैलेट, अवामी ब्लॉक और वाटरफ्रंट ब्लॉक का पहला बैलेट। पहली दफ़ा अवामी और वाटरफ्रंट की फाइल्स को नंबर लगाए गए। हवा में रहने वाली फाइल्स फाइनली प्लॉट नंबर्स लगाए गए। इससे पहले जनरल और ओवरसीज के बैलेट्स तो हो चुके थे, लेकिन अवामी लो कॉस्ट स्कीम में था। वाटरफ्रंट भी एक नया ब्लॉक था, एक डिस्ट्रिक्ट था जिसमें बैलेट अभी तक नहीं हुआ था और लोगों की काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट थी। लोग काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि कब बैलेट होगा और इसकी रियलिटी सामने आएगी, इसकी लोकेशन सामने। तो फाइनली 11 जून 2023 को अवामी ब्लॉक और वाटरफ्रंट ब्लॉक का पहला बैलेट हुआ। इसके साथ साथ जनरल का पांचवा बैलेट और ओवरसीज का चौथा बैलेट भी हुआ। इसका क्राइटेरिया क्या था, कौन से प्लॉट्स को नंबर्स लगे, आगे इसका क्या फोर्सी कर रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि पाकिस्तान भर में रियल स्टेट के वाले से आने वाली तमाम न्यूज़ आप तक टाइमली पहुँचे। खैर, बात हो रही थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी का डिटेल्ड रिव्यू, साइट विजिट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आज हम उसके बैलेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सोसाइटी बैलेट्स तो कर चुकी है, जैसे मैंने कहा जनरल का पांचवा बैलेट था, ओवरसीज का चौथा बैलेट था, लेकिन अवामी ब्लॉक और वाटरफ्रंट ब्लॉक का पहला बैलेट था। वाटरफ्रंट की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अवामी की पर्टिकुलरली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लो कॉस्ट स्कीम थी, काफ़ी लोगों का हार्ड एंड मनी उधर भी था, लेकिन अवामी से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। इसका नक्शा भी नहीं बताया जा रहा था, इसका गेट भी नहीं बताया जा रहा था, और एकदम से 11 जून 2023 को फाइनली इसका बैलेट हुआ। लोगों की बुकिंग्स थी, उन बुकिंग्स के अक्रॉस उनके फाइल्स को प्लॉट नंबर्स लगाए गए। इसका क्राइटेरिया क्या था, वाटरफ्रंट और अवामी की बुकिंग्स में जिन भी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स ने 50% पेमेंट क्लियर की हुई थी उनको बैलेट में शामिल किया गया, जबकि जनरल का पाँचवा बैलेट था तो उसके 90% उसका क्राइटेरिया रखा गया, और ओवरसीज ब्लॉक की 75% पेमेंट जिन लोगों ने की हुई थी। सेट डेट्स बताई गई थी, उसके बारे में भी हमारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। जिन भी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स ने उन डेट्स के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया मीट किया था वो बैलेटिंग में शामिल हुए और लकी विनर्स की फाइल्स को प्लॉट नंबर्स लगाए गए। बैलेटिंग के रिजल्ट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स डालकर अपनी फाइल के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आया आपके प्लॉट को नंबर लगा नहीं लगा, और लगा तो आपको कौन सा प्लॉट नंबर दिया गया। इसके साथ साथ एक अहम न्यूज़, जैसे शुएब अख्तर को ऑन बोर्ड लिया है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद ने, तो शुएब अख्तर का कॉन्फिडेंस देखते हुए इस चीज़ में मजीद कॉन्फिडेंस लोगों को हासिल हो गया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की डिलीवरी इंशाल्लाह मजीद तेज़ होगी। और मार्केट में स्पेकुलेशन के साथ साथ जो CEO हैं मिस्टर नईम एजाज ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के, उन्होंने भी यह दावा किया है कि पहले 2 लाख कनाल ज़मीन तो थी, अब मजीद परचेजिंग की तरफ भी ब्लू वर्ल्ड सिटी जा रही है, और हम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर वो इसमें इजाफा करने का कह रहे हैं 2 लाख कनाल है, तो क्या 3, 4, 5 लाख कनाल तक भी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद जा सकती है, जाती है नहीं जाती, डिलीवरी क्या है, इसके बारे में मजीद न्यूज़ इंशाल्लाह जब आएगी आप तक टाइम मिलेगी। फिलहाल अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद या पाकिस्तान भर में रियल स्टेट के वाले से कुछ भी जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आर टीम्स विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू, असिस्ट यू एंड दे विल प्रोवाइड यू विद ऑल द ड्यू सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।